लोगों को तो साइड में कर दो भाई, दूसरी पुलिस वाले अंदर करते हैं, पीछे से ना आ जाए। जबलपुर घमापुर से कांच घर तक हटे अतिक्रमण, अब आसानी से बनेगी स्मार्ट सिटी की सड़क। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। घमापुर से लेकर कांच घर तक बनने वाली स्मार्ट सिटी रोड में अडंगा बन रहे 300 मीटर में जमे अतिक्रमण को जिला पुलिस प्रशासन और नगर निगम अतिक्रमण दस्ते की मदद से अतिक्रमण को अलग किया गया। खास बात यह है कि अतिक्रमण कर दुकान तानने वाले लोग जब सुबह पहुंचे तो उनकी दुकानों पर जेसीबी चलती नजर आई। इसको लेकर दुकानदार और स्थानीय जनों ने विरोध भी किया, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात होने के कारण किसी भी तरह का विवाद ज्यादा देर तक नहीं हो सका। पुलिस के पहरे पर कच्चे पक्के करीब 2 दर्जन से अधिक अतिक्रमणों को जमींदोज किया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान उस समय हड़कंप की स्थिति बन गई जब एक युवक कार्रवाई का विरोध करते हुए पहुंचा। इस दौरान युवक ने अधिकारियों को बताया कि अगर यह कार्रवाई नहीं रुकी तो वह अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर लेगा। प्रत्यक्ष दृश्यों के अनुसार विरोध कर रहा युवक खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर पहुंचा था। इसे काफ़ी समझाइश दी गई, इसके बावजूद जब वह नहीं माना तो पुलिसकर्मी उसे थाना उठा कर ले गए। तो वहीं पुलिस की माने तो युवक अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर पुलिस के पास पहुंचा था, जिसकी फरियाद सुनी जा रही है। जबलपुर से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ से घमापुर चौक से और आगे कांचघर चौक तक का जो रोड बनना प्रस्तावित था वो विगत 2-3 साल से पेंडिंग चल रहा था ये। और क्योंकि यहाँ पर रोड के दोनों ओर काफ़ी कुछ अतिक्रमण है, इस कारण से पेंडिंग चल रहा था। आज से ये जो अतिक्रमण है रोड में दोनों ओर, तो उसको हटाया जा रहा है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से। और ये अतिक्रमण हटने के बाद जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो सड़क है यहाँ पर प्रस्तावित, उस सड़क का यहाँ पर निर्माण होना है। अभी तक करीब 10 से 15 जो मकान हैं वो खाली हो चुके हैं, ये अलग हो चुके हैं। शेष कार्रवाई अभी चल रही है।